वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसा एक और ग्रह है और इसे खोजने की होड़ में करीब 2 दशकों से नासा ऐसा इंस्ट्रूमेंट विकसित करने की कोशिश कर रहा है जिसे आज तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप माना जा रहा है। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल मास्टरपीस होगा जो पृथ्वी से 1 मिलियन मील की दूरी पर रहेगा और दूर से ही ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करेगा। 2021 में लॉन्च होने वाला ये टेलीस्कोप इतना पावरफुल होगा कि अंतरिक्ष की गहराइयों में देखने में सक्षम होगा। साथ ही ये दूर स्थित गैलेक्सी में मौजूद ग्रहों के बारे में पता लगाने में भी सक्षम होगा। इस टेलीस्कोप में 25 फुट का एक गोल्डन मिरर होगा जो बिग बैंग के बाद बने पहले स्टार्स और गैलेक्सीज से भी लाइट इकट्ठी करेगा। हालांकि इस शक्तिशाली टेलीस्कोप को हबल स्पेस टेलीस्कोप का अपग्रेडेड वर्जन माना जा रहा है, लेकिन इसे लॉन्च करने की भी अपनी ही चुनौतियां हैं। जहां नासा एक तरफ इसके लॉन्च को लेकर काफी समय से उत्साहित है, वहीं इसके लॉन्च होने का समय खिसकता ही जा रहा है। चलिए जानते हैं आखिर क्या है जेम्स वेब टेलीस्कोप, आखिर ये अंतरिक्ष के कौन से रहस्यों से पर्दा उठा सकता है और साथ ही इसके लॉन्चिंग का वक्त क्यों खिसकता जा रहा है। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं साइंस न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप? गियाना स्पेस सेंटर से लॉन्च होने वाला जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एरियन 5 रॉकेट पर लॉन्च होगा। फिर उड़ान भरने के बाद इसे अपने स्थायी घर में जाने के लिए 1 मिलियन माइल्स की दूरी तय करनी होगी जिसमें इसे 30 दिन का समय लगेगा। अंतरिक्ष में ये L2 के चारों ओर परिक्रमा करेगा जो पृथ्वी के पास और सूर्य के विपरीत एक जगह है। बता दें कि L2 हर्शल स्पेस टेलीस्कोप और प्लैंक स्पेस टेलीस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक लोकप्रिय स्थान रहा है। नासा के फंडिंग के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से बना ये इंफ्रारेड वेव टेलीस्कोप 6 मीट्रिक टन वजन का है जो पृथ्वी से 1 मिलियन किलोमीटर की दूरी से परिक्रमा करेगा। $8.8 बिलियन की लागत से बना ये टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप की तरह ही अंतरिक्ष में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की बेहतरीन तस्वीरें खींचने का काम करेगा। एस्ट्रोनॉट्स को इस बात की खुशी है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप अभी भी अच्छी हालत में है। ऐसे में जेम्स वेब टेलीस्कोप के अंतरिक्ष में लॉन्च होने से ये दोनों साथ में काम कर पाएंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में उन एक्सोप्लैनेट्स को भी देखेगा जो केपलर स्पेस टेलीस्कोप को मिले थे। माना जा रहा है कि ये टेलीस्कोप आने वाले कई दशकों तक वैज्ञानिकों के लिए प्रीमियर ऑब्जर्वेटरी का काम करेगा। बिग बैंग की पहली रोशनी से लेकर सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और इवोल्यूशन तक ये यूनिवर्स के इतिहास के साथ साथ हर फेज की स्टडी करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस टेलीस्कोप को नेक्स्ट जेनरेशन स्पेस टेलीस्कोप भी कहा जा रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हिस्ट्री। जेम्स वेब द मैन। इस टेलीस्कोप का नामकरण नासा के फॉर्मर चीफ जेम्स वेब के नाम पर किया गया है। दरअसल 1961 से 1968 के करीब नासा स्पेस एजेंसी जेम्स के चार्ज में थी। इनके कार्यकाल के दौरान नासा पूरी तरह अपोलो मून प्रोग्राम पर काम कर रहा था, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की उत्पत्ति 1996 में नेक्स्ट जेनरेशन स्पेस टेलीस्कोप के रूप में हुई। फिर 2002 में इसका नामकरण जेम्स वेब टेलीस्कोप के नाम पर किया गया। नासा ने जेम्स वेब के मार्गदर्शन से अंतरिक्ष में 75 से भी ज्यादा स्पेस मिशंस को अंजाम दिया। ज्यादातर ये मिशंस सन, स्टार्स और गैलेक्सीज पर आधारित थे। जेम्स वेब टेलीस्कोप दरअसल नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी से बनाया जा रहा है। बता दें कि नासा का गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर जो कि ग्रीन बेल्ट मैरीलैंड में मौजूद है, वो इस टेलीस्कोप के विकास के काम का मैनेजमेंट कर रहा है। साथ ही इसके लॉन्च होने के बाद स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट से इसे ऑपरेट करेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप साइंस। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में जिन पहलुओं पर स्टडी करने जा रहा है उसे 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। फर्स्ट फ्लाइट एंड रीआयोनाइजेशन। इसे हमारे यूनिवर्स का पहला पड़ाव भी माना जाता है। जब सब कुछ छोटे से बिंदु से जन्मा था, इसके बाद धीरे धीरे यूनिवर्स ने फैलना शुरू किया। माना जाता है कि बिग बैंग के बाद हमारे यूनिवर्स में सिंगल पार्टिकल का समंदर था। इस समंदर से रोशनी तब तक दिखाई नहीं दी जब तक कि पदार्थों ने ठंडा होना शुरू नहीं किया।
एक और विषय जो जेम्स वेब टेलीस्कोप के स्टडी का प्रमुख हिस्सा रहेगा वो है कि स्टार की फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ। वैज्ञानिक इस एरा को एपोक ऑफ रीआयोनाइजेशन यानी पुनर्मूल्यांकन का युग भी कहते हैं। असेंबली ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सीज की गौर से स्टडी करने पर हमें बड़े पैमाने पर इसके ऑर्गेनाइज्ड मैटर के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमें पता चलता है कि ये यूनिवर्स कैसे विकसित हुआ। आज जिस स्पाइरल और इलेप्टिकल गैलेक्सी को हम देखते हैं उसे विकसित होने में खरबों साल का समय लगा। ऐसे में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का काम अंतरिक्ष में सबसे पुराने गैलेक्सीज का स्टडी करना होगा ताकि इनके विकास को सही तरीके से समझा जा सके। साथ ही वैज्ञानिक टेलीस्कोप की सहायता से ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें आज दिखने वाली गैलेक्सी में इतनी विविधता कैसे पाई जाती है। बर्थ ऑफ स्टार्स एंड प्रोटो प्लेनेटरी सिस्टम्स। स्पेस में ईगल नेबुला तारों के जन्म के लिए बहुत ही लोकप्रिय स्थान रहा है। ज्यादातर तारे नेबुला के भीतर ही बनते हैं। ऐसे में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इंफ्रारेड आईज नेबुला के भीतर बन रहे तारों को देख पाएगी और साथ ही सोर्स ऑफ हीट को देखने में भी सक्षम हो पाएगी। प्लैनेट्स एंड ओरिजिन्स ऑफ लाइफ। पिछले कई दशकों से स्पेस में हमने कई एक्सोप्लैनेट्स को खोज निकाला है। इन्हें खोजने में केपलर स्पेस टेलीस्कोप की भी एक बड़ी भागीदारी रही है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सेंसर इन ग्रहों पर अधिक गहराई से रिसर्च करने में सक्षम होंगे। ये टेलीस्कोप ग्रहों के वातावरण की साफ तस्वीरें खींचने में तो सक्षम होगा ही, साथ ही वैज्ञानिकों को ग्रहों के वातावरण और उनकी स्थिति को समझने में बड़ी सहायता देगा। इस अध्ययन से वैज्ञानिक ये पता लगाने में सक्षम हो पाएंगे कि खोजे गए ग्रह जीवन का समर्थन करते हैं या नहीं। इंस्ट्रूमेंट ऑन बोर्ड। जैसा कि इस टेलीस्कोप को नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप की उपाधि भी दी गई है, जाहिर सी बात है इसमें इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स बाकी उपकरणों से कहीं गुना बेहतर होंगे। नियर इंफ्रारेड कैमरा यानी NIR कैम। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना द्वारा बनाया गया नियर इंफ्रारेड कैमरा इस टेलीस्कोप के मुख्य उपकरणों में से एक होगा। दरअसल ये इंफ्रारेड कैमरा पास की गैलेक्सीज में मौजूद तारों और मिल्की वे के भीतर मौजूद तारों की लाइट की खोज करेगा। ये उन तारों और गैलेक्सीज की लाइट की खोज भी करेगा जो ब्रह्मांड में सबसे पहले बने थे। NRI कैम में एक तरह का कोरोनाग्राफ भी लगाया गया है जो अंतरिक्ष के एक क्षेत्र से आती हुई रोशनी को कम कर उसके पास मौजूद वस्तुओं को देखने में सक्षम होगा। नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ यानी NIR स्पेक। ये उपकरण टेलीस्कोप को एक समय में 100 वस्तुओं को ऑब्जर्व करने की शक्ति देगा जिसकी मदद से ये बिग बैंग के बाद बनी सबसे पहली गैलेक्सी के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा। नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ दरअसल यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा की गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर द्वारा मुहैया कराया गया है। मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट यानी मीरी। हबल स्पेस टेलीस्कोप की एस्ट्रोफोटोग्राफी की परंपरा का पालन करते हुए मीरी अंतरिक्ष में दूर स्थित सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की अद्भुत तस्वीरों को कैद करेगा। स्पेस में मीरी डिस्टेंट गैलेक्सीज, फेंट कॉमेट्स और काइपर बेल्ट में स्थित ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने का प्रयास करेगा। बता दें कि मीरी को बनाने में यूरोपियन कंसोर्टियम, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी का विशेष योगदान रहा है। फाइन गाइडेंस सेंसर नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ यानी FGS/NIRISS। कैनेडियन स्पेस एजेंसी द्वारा बनाया गया ये उपकरण 2-in-1 का काम करता है, जहां फाइन गाइडेंस सेंसर टेलीस्कोप की स्टडी के दौरान इसे एक पॉइंट पर फिक्स करने की जिम्मेदारी लेगा, वहीं NIRISS ब्रह्मांड में फर्स्ट लाइट को खोजने के लिए इसके दायरे को बनाएगा। साथ ही इस टेलीस्कोप में एक टेनिस कोर्ट के आकार की सनशील्ड के साथ 21.3 फीट का आईना भी लगा हुआ है। माना जा रहा है कि ये अंतरिक्ष में लॉन्च हुआ अब तक का सबसे बड़ा आईना होने वाला है। 21 फीट वाले इस आईने में 18 हेक्सागोनल सेगमेंट हैं, जो कि गोल्ड प्लेटेड बेरिलियम से बनाए गए हैं। इस टेलीस्कोप में एक सेकेंडरी मिरर होगा जो 21 फीट वाले प्राइमरी मिरर से आने वाली लाइट को साइंस इंस्ट्रूमेंट में रिफ्लेक्ट करेगा। इतने बड़े आईने के साथ इस टेलीस्कोप को हबल स्पेस टेलीस्कोप के कैमरे से भी बड़ा फील्ड व्यू मिलेगा। साथ ही इसके पास स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से भी बेहतर रेजोल्यूशन होगा। नासा का कहना है कि 2021 में लॉन्च होने के साथ जब ये टेलीस्कोप पृथ्वी से कोसों दूर हो जाएगा तो ये हर 2 साल में मंगल ग्रह की डिस्क को देखने में सफल हो पाएगा।
यानी अगर भविष्य में मंगल ग्रह पर किसी तरह का डस्ट स्टॉर्म उत्पन्न होगा तो वेव टेलीस्कोप इसे पूरी तरह देखने में सक्षम होगा। ये शक्तिशाली टेलीस्कोप तूफान की जानकारी इकट्ठा करने में जरूरी भूमिका निभाएगा। ये तो रही मंगल के मौसमी हाल को जानने की बात, जो कि पता लगाना इस टेलीस्कोप के लिए आसान होगा। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप मंगल ग्रह के रहस्यों का पता लगाने के लिए अपनी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकता है। वैज्ञानिकों को आशा है कि भविष्य में हमें इस टेलीस्कोप की मदद से कुछ जरूरी सवालों का जवाब ढूंढने में सहायता मिल सकती है, जैसे कि मंगल ग्रह की प्राचीन झीलें और समंदर कैसे सूख गए और क्या कभी मंगल ग्रह रहने योग्य हो सकता है। हालांकि गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के मास साइंटिस्ट जुरोनोमो विलुनोमा कहते हैं कि वेब से मंगल ग्रह का अध्ययन करना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि वेब टेलीस्कोप को बेहद ही धुंधली और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे में मंगल ग्रह इसके सामने बेहद ही चमकीला नजर आएगा। इंजीनियर्स को इसकी किसी भी प्लेनेट ऑब्जर्वेशन में सावधानी बरतनी पड़ेगी ताकि इंस्ट्रूमेंट लाइट के लिए ओवर एक्सपोज न हो। बता दें कि वेब टेलीस्कोप को मंगल ग्रह को देखने का पहला अवसर इसके लॉन्च के ठीक बाद यानी 22 अगस्त को देखने को मिलेगा। यूं तो ये टेलीस्कोप 2018 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन नासा द्वारा फाइनल टेस्टिंग के चलते इसकी लॉन्चिंग डेट्स को आगे खिसका दिया गया। हालांकि 2019 में हुए सभी टेस्ट में स्पेसक्राफ्ट और टेलीस्कोप दोनों ने बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया, लेकिन टेलीस्कोप अपने आखिरी थर्मल वैक्यूम टेस्ट से गुजर रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि एक्सट्रीम कंडीशंस में टेलीस्कोप का हार्डवेयर सही तरीके से काम कर पाएगा या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये टेलीस्कोप क्या हमारे ब्रह्मांड के बनने के रहस्य को सुलझा पाएगा? हमें अपनी राय दें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।